राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय जय श्री 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 राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय जय श्री 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 राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय जय श्री 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 राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय जय श्री 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 राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, राधे श्री राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय जय श्री 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 राधे, जय श्री कृष्ण।
Hare 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 Hare
और बहुत प्यारा सब भजन। हरी हरी बोल, हरी
हम लोग जो है वो काल रात्रि माता की पूजा करते हैं, अपनी माता की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माता के नौ स्वरूप रूपये इनको नवदुर्गा भी कहते हैं। इनका हमारे जीवन में जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज काल रात्रि माता का दिवस है, तो काल रात्रि माता का अगर आप रूप देखे ना तो काफी विकराल उनका रूप है। माता रानी जो है वो गले पर सवार होती हैं, सवार उनके वस्त्र हैं, एक हाथ में उन्होंने फरस पकड़ी हुई है, उसे क्या करती हैं वो जैसे मारने का काम करती हैं राक्षसों को, वो हाथ उनके वज्र मुद्रा में है। तो माता रानी क्या करती हैं कि जैसे बहुत सारे राक्षस हैं, चरण जो उन्होंने शुंभ दिशुंभ जो रक्त बीज इनमें मारा है, तो बेसिकली हमारे जीवन में ये सिग्निफिकेंस है कि हमारी सब माता रानी को मतलब किताब में लिख नहीं पाते हैं, जहाँ माता रानी होती है ये सब भाग जाते हैं और हमारे अंदर से भी राक्षस जो है वो भाग जाते हैं और काफी हद तक हमारे दुखों का नाश हो जाता है, हमारी शक्तियाँ जो है वो मिट जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो माता जो है वो उनका स्वरूप काम करता है। और माता रानी को ना गुड़ बहुत प्रिय है, तो स्पेशली नवरात्रि के सप्ते सप्तम दिवस जो है वो माता को गुड़ या गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का जो है वो भोग लगता है और माता से माता की कृपा। कैसे हम भगवान की सेवा करें? देखिए ये जो दास्य रस है ये तो सभी रसों में आ जाता है, जैसे माता और माता होने के नाते वो भगवान के लिए कुछ करती हैं। जैसे भगवान जब गैया चरा के आते थे तो माता जो है वो उनके चरण जो है वो धुलाती थी और गुरु जाए, तो वो सेवा ही तो कर रही हैं। तो ये हर भाव में माधुर्य भाव में भी सेवा छिपी हुई है, वात्सल्य भाव में भी सेवा छिपी हुई है। तो ये जो दास्य भाव है जिसमें हम भगवान की जो है वो सेवा पूजा करते हैं, ये काल रात्रि माता की कृपा से जो है वो हमें मिलता है। देखिए भक्ति के जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो भक्ति के सप्तम स्तर तक आते आते तो माता रानी की कृपा ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर के राक्षस है उनको मारने के लिए विकराल स्वरूप चाहिए। कहते हैं कि हमारे अंदर के जो राक्षस हैं उनको वो नाश करेंगे, और आज इस मंच से माता रानी के श्री चरणों में एक सुंदर सी भेंट। हरी हरी बोल, आप भी मेरे साथ गाइएगा। मैया जगदाता दी कह के जय आवी, देखी बन मैया जगदाता इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है
जहाँ हम बहुत सारे शास्त्रों को, मेरी भगवत गीता को, भागवतम को, जिसके लिए प्रीति भाभी की मैं फैन हूँ, भागवतम को, रामचरितमानस, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, जहाँ इन सब से हम कैसे मुक्ति पाए और अपने जीवन में कैसे सुख और आनंद को फील कर पाए, इस यात्रा को हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ फाउंडर्स निखिल भैया, वो फाउंडर नितिन भैया जो है वो एक एडवोकेट है और वो चंबा में प्रैक्टिस करते हैं और वो गोलोक एक्सप्रेस के बहुत ही मेन पिलर है। तो आज हम उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं उनके भाव और सुनते हैं उनसे। निखिल भैया, ओवर टू। हरे कृष्णा हरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर फूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी एक्टिविटीज रोज करते हैं, जरा चेक करें क्या उन एक्टिविटीज से हम भगवान की नजरों में गिर तो नहीं रहे, और यदि गिर रहे हैं तो राइडर लगाइए ये मुझे नहीं करना है, और जिससे हम भगवान की नजरों में उठ रहे हैं उन एक्टिविटीज को कीजिए, आपको स्वयं आंसर मिल जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, सभी लोग चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल नहीं सबल पाए। तो राधे तेरे भगवान के सामने झोली फैलाते हैं, बेटा दे दो, बेटी दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, सुख दे दो, ये कामना है जो हम सबको करनी चाहिए। ये जो अब आगे लाइनें आने वाली हैं, रात इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, ओ मेरा तन ही निकल जाए। राधे से चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स,
जैसा आप मुझे आज देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, या जैसा दिक्कत है, यहाँ वो एनर्जी है, यहाँ वो सुख और चैन है जिसको हम एक्चुअली मटेरियल सक्सेस में ढूंढ रहे हैं। वहां से धीरे धीरे लाइफ चेंज होना शुरू हुई, और जैसे आज प्रीति जी बता रही थी, माता रानी की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो अंदर की दानवी शक्तियां कम होना शुरू होती है। ये जो नेगेटिविटीज जो रोज हम अनुभव करते हैं, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, हमारे अंदर की दानवी शक्तियां ही तो हैं। उस पे कैसे वार हुआ, और मैं भगवान की कृपा से, निखिल जी की गाइडेंस से, अपने उन नेगेटिव हैबिट्स में से बाहर निकल पाया। और भक्ति मेरे लिए क्या थी, डिवोशन मेरे लिए क्या थी, ये लेडीज का काम है, मम्मा का डिपार्टमेंट है, दादी का डिपार्टमेंट है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम या मेल्स का काम क्या होता है, जाओ स्ट्राइक करो, अच्छी मेहनत करो, समाज में नाम बनाओ, पैसे कमाओ, और घर वालों की सारी जरूरतों को पूरा करो, उनको घुमाने लेके जाओ, दैट इज माई ड्यूटी। और मैं उसी पे फोकस करता था। प्रैक्टिकल एडवाइस फ्रॉम माय ब्रदर, और साथ साथ में भागवत गीता का अध्ययन, नाम जाप मैंने करना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि नहीं यार, ये डिवोशन हम सबके लिए है, बिकॉज यही तो वो बेसिकली पावर है जो हमें सही क्या है और गलत क्या है वो बताएगा। और मेरा वो मिथ टूटा कि ये सिर्फ लेडीज के लिए है या घर वालों के लिए है, मेरे लिए नहीं। और मुझे ये बात समझ आई कि अर्जुन उस फाइट के दौरान जब वो युद्ध क्षेत्र में था, कंफ्यूज हो गया था, और उसको किस गाइडेंस ने फिर से मोटिवेट किया ताकि उसने युद्ध लड़ा, और वो मोटिवेशन क्या थी, वो भगवान का साथ था, वो गाइडेंस भगवत गीता थी, और मैंने उसी को पकड़ा। अर्जुन पहले भी वॉरियर था और बाद में भी वॉरियर रहा, भगवत गीता सुनने से पहले भी और बाद में भी, बस चेंज क्या आया, चेंज कॉन्शियसनेस में आया। तो बिल्कुल वैसे ही मेरे फर्क क्या आ गया है, अब भगवान की गाइडेंस के साथ मैं अपने काम करना है, करने की कोशिश करता हूं। और कई बार लोग ये कहते हैं कि यार आप इतने बिजी एडवोकेट हो, फिर भी आप डिवोशन के लिए कैसे समय बनाते हो। इसी साल की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा फोर्थ सत्संग रैली है, अभी हम अक्टूबर में हैं, और मैंने करीबन 10-12 दिन की छुट्टियां ली हैं। मेरा प्रैक्टिकल सिस्टम भी चल रहा है और डिवोशनल का प्रचार प्रसार भी चल रहा है, और ऑनलाइन जो सत्संग है वो भी चल रहे हैं। कहां मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास तो अपने लिए समय नहीं है, फैमिली के लिए समय नहीं है, और कहां भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि आज मैं अपना प्रोफेशन भी देख पा रहा हूं, फैमिली को भी देख पा रहा हूं, अपनी डिवोशनल साइड को भी ग्रो करवा पा रहा हूं, और साथ साथ में भगवान ने जो मुझे सेवा दी है कि मुझे भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना है, वो भी कर पा रहा हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर ये मेरे लिए पॉसिबल है तो आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं उन सबके लिए पॉसिबल है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा निखिल जी को, जो हमेशा मुझे ये बताते थे और मोटिवेट करते थे कि देखिए आपने फोकस करना है इस बात के ऊपर, जो बात समझ के इसको फॉलो करने की कोशिश करो, और ये याद रखो कि चेंजेस हमेशा परसेंटेज में आएंगे। कई बार हम कोई नई बात सुनते हैं और हमें लगता है, थैंक यू सो मच नितिन भैया फॉर योर लवली वर्ड्स, बहुत प्यारे भाव और बहुत प्यारी गाइडेंस और लर्निंग्स आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर्सनल लाइफ के साथ हमारे साथ साझा की। फ्रेंड्स, जब हम किसी की आध्यात्मिक जर्नी को सुनते हैं तब हम अंदर से एटलीस्ट रियलाइज कर पाते हैं और उनको अपने साथ कंपेयर कर पाते हैं कि ये जब हो तो हम भी। सबसे पहले मैं नितिन भैया से चंडीगढ़ में मिली थी और हम बहुत ज्यादा, इनफैक्ट भवनीश जी भी और मैं भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे कि ये भी हमारे जैसे ही तो है और वैसे ही इनकी भी पर्सनल लाइफ भी है, तो ये जब कर सकते हैं तो हमें भी थोड़े 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 स्टेप्स इस स्पिरिचुअल पाथ पर लेने चाहिए। तो जैसे जैसे हमें गाइडेंस मिली हमने वैसे वैसे फॉलो करना शुरू किया, तो आज हम भी अपनी लाइफ में प्यारे प्यारे बदलावों को देख पा रहे हैं। तो उन सभी बदलावों के लिए भी आप सभी का तहे दिल से आभार। तो आगे हम चलते हैं हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर डॉक्टर निखिल गुप्ता।
गुप्ता के पास, ये अदरवाइज देखा जाए तो ही इज अ डेंटिस्ट, इन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी जो हमारे इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से है वहां से डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की, लेकिन उस सुख की तलाश में, उस शांति की तलाश में इंडिया में भी बहुत जगह घूमे और फाइनली सोचा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके शायद मुझे वो सुख मिल जाए, शायद मुझे वो आनंद मिल जाए जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वहां पर भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और जब एक्सीडेंट होता है, भयंकर एक्सीडेंट, जब वो स्पाइनल कॉर्ड पूरी ब्रेकआउट हो जाती है, और फिर जब वो अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, और फिर वो भगवान से प्रेयर्स करते हैं और कैसे भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो उनके पुराने डिवाइन अकाउंट सुनते हैं और ये प्यारा सा गोलोक एक्सप्रेस का मंच जो है वो खड़ा हो जाता है। वो फिजिकली इमोशनली बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं, लेकिन उनको पार करते हुए हमें गोलोक एक्सप्रेस का ये जो हम रूप आज देख रहे हैं यहाँ तक वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आ चुके हैं। तो आज उन्हीं के मुखारविंद से आगे हम सुनते हैं, बहुत सारी गाइडेंस उनसे हम लेते हैं। ओवर टू यू। Oh,
जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, अगर आप बड़े बड़े एक्सप्रेस वे पे धूप के दिन में जाओगे तो आपको यहाँ भी दिखेगा ये चीज, दूर दिखेगा तालाब पानी का, ठीक है, वो कंक्रीट में। या फिर आपके मन ने बताया हैप्पीनेस पास्ट में थी, ये सच है या फिर से ढके गए आप? पास्ट में, पास्ट यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्रेजेंट, है ना। तो अगर आज अभी आप खुश हो तब आप हैप्पी हो, और अगर आपको लगेगा जिस दिन मेरे बेटे की शादी है मेरे को अच्छी बहू मिल गई, जैसे ही आपने इस थॉट प्रोसेस में घुसे आप कि मुझे कुछ पाने के बाद हैप्पीनेस मिलेगी, तो समझिए कि आप थके जा चुके हो, फिर आपको हैप्पीनेस आप खत्म हो जाओगे, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी आपको। सो मन मानसिक अवस्था जब आपको वैसे ही अच्छा लगता है, अपने पौधों को पानी दे रहे हो ना घर में सिंपल, आपको इससे वेरिफिकेशन या वैलिडेशन नहीं चाहिए कि आप अच्छे हो या बुरे हो, आप बस अंदर से सैटिस्फाइड और हैप्पी फील करते हो, ये फीलिंग है। फीलिंग को चीजों से कभी खरीदा नहीं जा सकता। अब इसको पाना कैसे है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो वर्ल्डली हैप्पीनेस होती है उसको एक्साइटमेंट कहते हैं। कितने लोगों को एक्साइटमेंट में और ट्रू हैप्पीनेस में अंतर पता है, हैंड रेज कर सकते हो आप? कितने लोगों को पता है एक्साइटमेंट में और हैप्पीनेस में डिफरेंस? एक्साइटमेंट कुछ ऐसी होती है जो समुंदर की लहरें अगर ऊपर जाए तो क्या वो नीचे आएंगी या नहीं आएंगी? जितना ऊपर जाएंगी उतना ही वो नीचे आएंगे। एक्साइटमेंट क्या होती है? जो हमारे इंद्रियों के भोग से कुछ देर की फीलिंग क्रिएट होती है, जो मजा आता थोड़ा सा, उसको टेम्पररी कहते हैं, क्षणिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपने बोला यार मुझे हलवाई की दुकान खुली है, मजा आ जाता है वहां पर, चल 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 चलते हैं। आप एक घंटा गाड़ी चला के पहुंच गए गुलाब जामुन खाने के लिए, तो जब आपने वो गुलाब जामुन खाया तो कैसा लगा? मजा आया, वाह यार, मैं तेरे को बता रहा था ना इससे बढ़िया चीज कहीं नहीं सकती, चल एक कॉप खाते हैं। लेकिन जी आप गुलाब जामुन नंबर टू जब गया तो मजा बड़ा या घटा? दो नंबर तक तो चले, चलो तीसरा भी गया, अब तीसरे में थोड़ा मुश्किल है, चौथा पांचवा आप टाइटल आप दुख ले रहे हो। फिर अगर आपको एक चेयर पे बांध दिया जाए और आपको टॉर्चर करना है किसी ने, रात भर के वही गुलाब जामुन आपके मुंह में ठूसने शुरू कर दिए जाए, एक दो इमेजिन करना सीन, वही गुलाब जामुन थे इसके लिए आप एक घंटा दूर ड्राइव कर। तो संसार की चीजें क्या होती हैं, कुछ देर के लिए क्या होता है, जैसे आपने ब्रांड न्यू कार ले ली, लेट्स से जगुआर ले लिया आपने, 1 करोड़ रुपया खर्च किया, ब्यूटीफुल फ्लैशी ब्लैक कलर जो आपका सपना था, मजा आया या नहीं आया? आया। जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकले, चलते चलते रिक्शा वाले भाई साहब ने मार दिया स्क्रैच, 1 करोड़ रुपए खर्च के अभी निकली थी वो गाड़ी, फीलिंग कैसी आ रही थी? एक्साइटमेंट। अब क्या हुआ जब स्क्रैच पड़ा उसमें, कौन बताएगा मुझे? गुस्सा। रिसेंटली आपने गाड़ी ली हो और उस पर स्क्रैच पड़ जाए, क्या एकदम यहाँ से कहाँ गिरोगे आप? पागल हो जाओगे आप। तो वो एक्साइटमेंट थी, समुंदर की लहर ऊपर गई है तो अब क्या आने वाली है? उन्हें नीचे आएगी। तो एक्साइटमेंट में क्या होता है कि कुछ देर तक टेम्पररी मजा आता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। और अगर उसके विपरीत कुछ हो जाए, विपरीत कुछ हो जाए, जैसे भागने सी प्लान कर रहे थे कि मैंने अपने लिए रेंज रोवर लेनी है, सेविंग करी जा रहे हैं 15 साल से, थोड़ा दर 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 पैसे जमा करते हैं, ओवर टाइम कर करके, ठीक है, और अब 3 महीने दूर है ये वो सेविंग्स करने के लिए, और दीपिका जी ने सडनली इनको बता दिया कि हमारे बच्चे स्कूल से खुश नहीं है, स्कूल में जाते हैं, और मैं अपनी किटी पार्टी में फ्रेंड्स के साथ गई थी और एक बेटर स्कूल आ गया है और हमें वहीं डालना चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए वो बेटर है। अच्छा, बट फीस कितनी है उसकी? बस जॉब भी करता था और दूसरा काम भी करता था,
भैया को कितना समय लगा? 200 साल। That doesn't mean ये बेकार है और मैं बेटर हूँ। कहने का क्या मतलब होता है? हर एक व्यक्ति विशेष की अपना अपना स्वभाव होता है, पूर्वजन्मों के अकाउंट्स होते हैं। तो हो भी सकता है आपको से कोई आज के सत्संग से एक पॉइंट पकड़ के कल तक उस पर्टिकुलर पॉइंट को इम्प्रूव कर ले, पर ऐसा एक दो ही होगा। नॉर्मल पैटर्न में क्या होता है, आप उसमें से कुछ सीखोगे, एक चीज पकड़ोगे और हो सकता है उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 years, 4 years, 5 years बदलाव लाने की कोशिश करोगे, है ना। क्या करना है, वो एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, जो सेंशुअल है उसको घटाओ और धीरे धीरे जो आपको एक्टिविटीज सोल लेवल पे लेके जाती है उसको बढ़ाओ। जैसे कि सत्संग लगाना, गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब पे 7 के 7 दिन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि साधना करना, नाम जाप लेना, जो भी भगवान के नाम में आपको इंटरेस्टेड है, भोग लगाना, व्रत रखना, आरती करना घर में, जैसे कि सेवा में इन्वॉल्व है। जैसे हमारे साथ सौरभ जी आ जाए, ये बहुत प्यारी सेवा करते हैं ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में, कितने सारे लोगों को नशे से मुक्त कराने में गोलोक एक्सप्रेस के साथ मिलजुल के लगे रहते हैं। तो सेवा में सभी को इन्वॉल्व रहना चाहिए, चाहे वो घर के कामों में सेवा भाव ला के करना हो, चाहे जॉब में सेवा भाव ला के करना हो, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ भी भलाई का कार्य करना हो। कौन से भाव से? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, अदरवाइज आपके अच्छे कर्म भी हमारे पतन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म मैक्सिमम लोग एक्सपेक्टेशंस और अभिमान के साथ करते हैं। क्या लगना शुरू होता है हमको कि हम बहुत ग्रेट पीपल हैं, और फिर क्या होता है, फिर हम फंसे रहते हैं। तो सेवा कब बनेगी? चाहे आपने छीटी को भी दाना डाल दिया ना, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितने करोड़ों की सेवा की, ऐसा नहीं होता। आपने अगर प्रभु मैं समर्थ नहीं हूं, जितना आपने दिया है मैं इतना ही कर सकती हूँ, नहीं है और क्या करना है हमें खुश रहने के लिए, ट्रू हैप्पीनेस से जाने के लिए। एक्सपेक्टेशंस एंड कंपैरिजन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन मिजरी। क्या सी दो चीजें हमें बहुत जबरदस्त रूप से मारती है, ये रिश्ते टूट जाते हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं, झगड़े पड़ जाते हैं फादर सन में, क्यों? एक तो एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं होती हमारी, किससे एक्सपेक्टेशन है, पति से, पत्नी से, बच्चों से। बच्चों को बड़ा कर रहे हो, पहले से प्लानिंग कर ली, जब ये बड़ा होगा तो ये मेरा हॉस्पिटल संभाल लेगा। भाई किसने कहा था आपको कि भगवान ने दर्शन देंगे, आपको बताया था कि आपको बच्चा बड़ा होगा वो आपका हॉस्पिटल संभालेगा, किसने कहा आपको? बट आपने कल्पना में क्या क्रिएट कर ली है, एक उम्मीद खड़ी कर दी है, और आपने एक रेसिपी रेडी कर लिया दुखी होने की। आप में से कितने लोग अपने माँ बाप के हिसाब से जीवन जीते आए हो, बताना ऑनेस्टली, ठीक है? शायद तो 2% लोग, वो भी आपको लगता होगा जब आपके पिताजी से मैं जाकर प्रायोरिटी पूछूंगा उनकी कहानी अलग होगी। तो आपने क्या किया, एक उम्मीद खड़ी कर लेते हो जो काल्पनिक होती है, और वो होता है नहीं, फिर होता क्या है, इंसान का दुखी हो जाता है। इसलिए कितने सारे भजन है उसमें क्या कहने का है, आशा एक राम जी से क्यों बोला जा रहा है बार बार, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नहीं पढ़ने आपको शास्त्र, बड़े बिजी हैं आप, भजन की एक एक लाइन को ही मंथन करना शुरू कर दो, बस क्या करना है इतनी सी। अच्छा गाएंगी, आशा मुझे भगवान से करना, उम्मीद किससे करनी है, भगवान जी से। द्रौपदी के चीरहरण से क्या समझ आया आपको, क्या उनके पति बुरे थे, क्या उसके पति बुरे थे? भगवत गीता के ज्ञान से जुड़े, भगवान का नाम ले, सरल भाषा में आप सबके पास सामने एक सरल भक्ति का सार रूप है, इसको पढ़िए। इसके ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है,
समय में जो भी जो समय आप फालतू का टाइम पास करते हो उसकी जगह आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे बड़ा टाइम पास क्या है आज का सबका, क्या है मोबाइल, हम ऐसे मोबाइल यूज करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं सभी लोग, उसकी जगह वो वाला समय क्या करना है आपको, मोबाइल यूज करो उसने डरानी बात सुनो, बजट सुनो, इनपुट पॉजिटिव करोगे तो आउटपुट कैसा आएगा, ऑफिस भी पॉजिटिव है। अगर आप हर चीज कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, बात कर रहे हो, ऊपर वाले से जुड़ी होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में ज्यादा हो जाएंगे तो हम हर दिन चैलेंज को डील करने में आपको पावर भी आएगी, पॉजिटिव और साथ साथ में अच्छी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, और बोले उसका लक्ष्य क्या है, प्रैक्टिकली हर समय मंदिर जाना पॉसिबल होता है या नहीं होता है मॉडर्न लाइफ में, नहीं पॉसिबल, तो अच्छी बात है जब एज अ फैमिली मंदिर भी जा सकते हो तीर्थ यात्रा पर, बहुत अच्छी बात है, बट इम्पोर्टेंट क्या है हमारे मन मंदिर बने, भगवान का चिंतन चलता रहे, और जब व्यक्ति का मन माता का और पिता का मन में मंदिर बन गया तो क्या घर भी मंदिर बन जाएगा, बिल्कुल, तो बच्चों को पहले से ही अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्या उसकी गारंटी स्कूल वालों की है, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल, ये मत सोचिए कि आपने बच्चों को महंगे स्कूल में डाल दिया और आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म नहीं हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना, और ये सभी सनातनियों का क्या होना चाहिए, एक ड्यूटी है ये हमारा, और एज ए सोसाइटी देखिए अगर हमारा देश आजाद हुआ था तो चंद लोगों ने हेल्प की थी बिंदु जी, या जन जन इन्वॉल्व हो गए, सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया था हर एक के बीच, तो ये ड्रग्स के इश्यू बढ़ते जा रहे हैं, डिवोर्सेस के इश्यू बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन के इश्यू बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये पर्सनल कोई किसी एक पर्सन का इश्यू है या ये पूरी की पूरी सोसाइटी एट लार्ज का खतरा है, सोसाइटी एट लार्ज, तो अगर सोसाइटी का प्रॉब्लम आ गई है तो सोल्यूशन कौन ढूंढेगा, सोसाइटी के हर मेंबर, और सोल्यूशन अगर हम आपको दे भी रहे हैं तो सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें कंप्लीटली हेल्दी रहना है और हैप्पी रहना है, फिर नंबर टू हमारे दायरे में मेरी काम करने वाली चाहे वो घर में लेडी भाई हो, हेल्पर हो, या मेरा बेटा हो या बेटी हो या मेरा पड़ोसी या जिनको मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, फर्स्ट मैं वर्ल्ड में नेगेटिविटी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूंगी या करूंगा, मैं किसी की निंदा और चुगली नहीं करूंगा, एंड नंबर टू जितना हो सके भगवान मुझे माध्यम बनाना कि किसी ना किसी का मेरे माध्यम से क्या हो, भला हो सके, और कलयुग की बड़ी एक खास बात बताता हूं आपको, एक ही युग ऐसा है जिसमें अगर आपने मानसिक रूप से भी काश भगवान ने हॉस्पिटल बना के गरीबों का भला कर देता किया नहीं कुछ, बट भगवान आपके मानसिक रूप से की गई सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, अगर आप दस पैसे नहीं दिया मिलेगा भगवान का सोने की थाली होती और मैं आपको डायमंड के स्पून्स के थ्रू खीर खिलाता, ये भाव से ही इतना सोचने से ही कल्याण हो जाएगा आपका, तो सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए, खुद भी हैप्पी रहिए, इसलिए गोलोक में हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, आप खुद बदलने पर ध्यान दीजिए, विचार विचार प्रचार तो क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था 2009 में, मैं तो 2001 में खुद एक समय पे आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था, डिप्रेस हो गया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे माध्यम से इतने लोग बदलने वाले हैं, अगर आप भगवान से जुड़े रहोगे तो आपको भगवान माध्यम बनाएंगे और हम सब मिलकर एक सुंदर से सकारात्मक भक्तिमय समाज का निर्माण कर सकते हैं, थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल, हमारे सनातन धर्म की जय, आ
तो वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। आज के सत्संग में भी उनके आगमन था, बट किसी परिस्थिति की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए, बट उनकी माता जी यहाँ है, वो कुछ शब्द कहना चाहेंगे। हरी बोल। हरी बोल। जिन्होंने भी इस सत्संग का बंदोबस्त किया है उनका मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से, कि उनके मन में ये भाव आया कि मैं परमात्मा का हरी बोल, भगवान का जो ये कीर्तन करवाया है इसमें सबको शामिल करूं, तो हम सब इस प्रोग्राम में आज एकत्रित हुए हैं। हमें बड़ा आनंद आया इस प्रोग्राम में, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इनकी वजह से हम इस आनंद को प्राप्त कर सके, और सभी भक्तों का भी को भी मेरी तरफ से प्रणाम, और इस आनंद के लिए जो है आज जो सबको प्राप्त हुआ है इसकी भगवान की तरफ से ही हमें आज ये दिन दिया गया और इसका हमें बहुत बहुत फायदा मिला। और जो आज के इस आनंद की, आज के इस दिन की, आज के इस पर्व की मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये प्रोग्राम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, आगे चलता रहे, और इसमें हम सब एकत्रित होते रहे और हमें इसका आनंद मिलता रहे, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है मेरी तरफ से। क्योंकि देखो मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है और हमें मिला है, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें जो है वो जन्म भी भारत में मिला है, भारत एक सचखंड कहलाता है, तो इतने महान देश में जहाँ की हमारे देश की संस्कृति एक महान संस्कृति है, तो हमारा जन्म तो भगवान ने दे दिया, हमें अधिकार दे दिया यहाँ पे हमारा जो है जीवन सफल हो, इसका मौका दे दिया, लेकिन उसके लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है तभी हम इस जीवन को, इस मनुष्य जन्म को सफल कर पाएंगे, सार्थक कर पाएंगे, जब हम परमात्मा के गुणों को अपनाएंगे। परमात्मा से हमारी विनती है कि जो भी हमारे अवगुण हैं वे दूर हों, और जो भी भगवान के गुण हैं आज हम संकल्प करें कि उनको धारण करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। तो यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है कि परमात्मा से इस मनुष्य जन्म के द्वारा एकत्रित कर सकता है, परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकता है। बाकी पूरी सृष्टि बनाई है उससे उसमें सबसे महान जो है सृष्टि में जो मनुष्य का जन्म दिया है, तो मनुष्य का जन्म हमें सबसे श्रेष्ठ मिला है, तो हमारा भी कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ बनता है कि इस जन्म को, मनुष्य के जन्म को सफल करें और परमात्मा का एकाकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए और सुनने के लिए। जब भी मुझे कहीं भी आपको जरूरत, मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे आप बुलाओगे तो मैं चलूँगा। मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मैं जरूर करूँगा। टीम थोड़ी अभी पिकअप पे गई है, अभी आए थे। नमस्कार। हरी हरी बोल। तो स्वागत जी जो है वो ऑलमोस्ट हमारे साथ 3 साल से 3 साल से हाँ जी
तो पहले देहरादून में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में वंडरफुल सेवा, तो बोले कुछ सीट पर सेवा नहीं थी कि वहाँ डिवोटीज जाके और इस एजुकेशन या बच्चों को भजन कीर्तन करवाना, और साथ साथ में चम्बक से रंजीत जी वीडियो कॉल के थ्रू भी सत्संग किया करते थे बच्चों के, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया और उसमें सौरभ जी ने बिल्कुल सेवा की। और अभी रिसेंटली सेफ जोन नोएडा में शिफ्ट हुए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में, वहाँ पे भी उन्होंने 60 जो वहाँ के बच्चे हैं या बड़े हैं जो ड्रग्स के इशू में फंस गए हैं, उनको उन्होंने पूरा दिन का कार्यक्रम बना दिया है। कीर्तन भी वो करते हैं, मंगला भी वो करते हैं, तो गोलोक एक्सप्रेस के वीडियोस पार्टी के लिए देखते हैं, क्या आनंद ले रहे हैं सब? बिल्कुल, मैं एक्चुअली सरल फाउंडेशन के साथ हूँ 13 साल से, 13 ईयर्स हो गए हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। वहाँ के जो एक मैं हूँ, एक प्रदीप जी है, हम दोनों ने मिलकर शुरू करा था। आज के दिन 300 पेशेंट्स हैं मेरे पास, दिल्ली नोएडा देहरादून सबसे बड़ा पूरे नॉर्थ इंडिया का सेंटर है मेरा रिहैबिलिटेशन सेंटर सदर फाउंडेशन। तो अब मैं थोड़ा सा मेरी पहले तो धन्यवाद है निकिता मैम का, मेरा बड़ा मन था निखिल भैया से मिलने का, नितिन भैया से, तो मैंने कहा मैं तो पक्का पहुंचूंगा कोई पहुंचे ना पहुंचे। मैंने सारे अटेंड करे हैं कि देहरादून में शायद एक होटल के अंदर भी करा था, मैं तब इनसे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ बीच में। मैंने सारे अटेंड करे हैं राधेपुर के जो डांस होता है यू शेप होल के अंदर, वो आप शायद अभी आपने किया नहीं होगा से जो हम करते हो हमारे सेंटर के अंदर। तो मैं सबल फाउंडेशन में तीनों ब्रांचों में जोड़ने वाला हूँ गोलक एक्सप्रेस राधेपुर को, जिसके साथ 1500 परिवार जुड़ेंगे। जो मैं मेरी बात हुई है निकिता मैम से सारी जगह, तो सबल फाउंडेशन में सारे बड़े एक्साइटेड है कैसे शुरू होगा कैसे होगा। ऑनलाइन सेशंस होते हैं रेगुलर बेस पे, चैटिंग शुरू कर दी है सारे बच्चों ने। पहले ऐसे लगता था बच्चों को आध्यात्मिकता भक्ति पता नहीं कौन से पाठ प्रवचन होंगे, लेकिन जो उन्होंने अटेंड करा वो जब अमित जी आए थे, अमित भैया आए थे, शिवानी मैम आई थी, मैं बता रहा हूँ कि बस वो यही पूछ रहे हैं बच्चे नेक्स्ट कब आ रहे हैं, थोड़ा शुरुआत में प्रसाद के लालच में हो जाते हैं। चलो भैया शिवानी जी की बात कर रहे हैं जो वापस शुरू किया, तो मैं अपने सेंटर सबल फाउंडेशन में प्रदीप जी के साथ ये दोबारा से शुरू करने वाले गोलक एक्सप्रेस, जहाँ पे सारे बच्चों का ये ऑनलाइन सेशन जैसे भी होगा आगे सारा नहीं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करूंगा उसे, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो भी चीज जैसे भी वो गाइड करेंगे। मैंने इनका भैया की सारी वीडियोज दिखाई है, उनके स्टार्टिंग से लेके जर्नी का एक्सपीरियंस भी हुआ, बीच में अल्कोहल का भी बताया कॉन्फ्रेंस है ना, कभी बिहार की जरूरत नहीं पड़ी ये सारा ईश्वर का है, आज के दिन हरी का है। जो ये कह रहे थे मजे, हमारे उसमें बोलते हैं मजे की बीमारी है, मजा थोड़े थोड़े लेवल पे, छोटे बच्चे पहले कॉफी में मजा, फिर चिप्स में मजा, फिर साइकिल में मजा, फिर बाइक में मजा, फिर बाइक चला के बोरिया दो गई फिर नहीं बाइक में मजा, फिर गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर एक कोठी, उसके बाद एक फार्म हाउस का सपना, तो मजे तो चलते ही चले जा रहे। जो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा निखिल भैया ने, है ना, उसी चीजों को हम बताते हैं कि मजा जो है आज के दिन शायद ये हरिबोल जिसके ईश्वर को मानते हैं, कोई फोर्स नहीं होता कि आपने कृष्णा को माना है, राम को माना है, हनुमान को माना है, आप जिसको भी करते हैं लेकिन चैटिंग करने शुरू कर सिंपल सा एक आध्यात्मिक अंदर से वो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो शायद कहीं आप ढूंढ रहे हैं। जो मजा जो निखिल ने बड़े अच्छे से बताया वो कहीं नहीं मिलना, जो आपको आत्मचिंतन और आत्मशांति जब आप ईश्वर को कनेक्ट करोगे अपने आप से जो वहां पे मिलेगा। तो मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, अपना बड़ा कीमती समय देने के लिए, थैंक यू निखिल जी का दोबारा से। मैं बड़ा आभारी हूँ लेकिन आपको एडिटिंग दिखाऊंगा अपनी तो थोड़ा सा थैंक यू, ठीक है, कि मेरे को बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मेरा आज के दिन खड़ा उन्होंने बुलाया है। तो हम दोबारा से जर्नी स्टार्ट करेंगे सबल फाउंडेशन के साथ, ठीक है, जो मेरा अपना प्रदीप जी सब हम सारे जुड़ेंगे, है ना, 300 पेशेंट्स, हम एक और जगह ले लिया हमने 2 एकड़ की, चौथा सेंटर खोलने वाले देहरादून में,
जो 2001 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, तो शायद अब 500-600 हजार तक भी पहुंचे। दुनिया के सेंटरों में 40 पेशेंट 60 होते हैं, अपना हमारे पास स्टाफ होते हैं, तो सारे स्टाफों को उनके साथ है ना, सारे चैंपियन शुरू करें, उनका भी टाइम लिखवा देंगे। थैंक यू निखिल जी, टाइम दे दीजिए। अरे सौरभ जी पहली सेवा कर रहे हैं जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आदि की एज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ड्रग्स एडिक्ट बन चुके हैं, कहना बहुत आसान होता है कि ये बच्चे नशे ले रहे हैं, पर उनके साथ डील करना और अपनी लाइफ डेडिकेट कर देना रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बना के, ये आसान काम नहीं है। और ये कॉमन लोगों का काम है या रिलीजियस लोगों का काम है? रिलीजियस लोगों का, बट वी नीड मोर पीपल जो अपनी लाइफ के लक्ष्य को ही समाज सेवा से जोड़ रहे हैं, क्योंकि हर बंदा अगर वही सोचता है रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान, तो इन लोगों का क्या होगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप बहुत ही प्यारी सेवाएं कर रहे हो और सब लोग आपको ब्लेसिंग्स दें ताकि सभी फाउंडेशन और ग्रो करें। और सपना है कि हम लोग कैसे हर एक जगह पर भगवत ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करें, तो इसमें आपकी सूची की कुछ हमें अगर की सत्यता और क्या आपने पाया है कि अब बच्चों में उनकी रिकवरी ज्यादा बेहतर के लिए पास। ये प्रोग्राम ऐसा है स्पिरिचुअलिटी का, है ना, कहते हैं पहले अपने आप से प्यार करना शुरू करो, आप फिर दूसरों से प्यार करना शुरू करोगे। परंतु एक चीज करते परिवार एक बच्चे को नहीं संभाल पाता, जिसको मैं 250 पेशेंट संभाल रहा हूँ, है ना, वहाँ का डिसिप्लिन आर्मी का भी फेल है, टाइम से उठना, योगा मेडिटेशन क्लासेस, लेकिन उसने जो एड ऑन किया था एक चीज, मैंने हरिपोल का, सिर्फ हरिपोल का, उसके अलावा कोई बाहर से कोई इन्वाइट नहीं होगा, उसी का कुछ नहीं है, ताकि स्पिरिचुअलिटी आए। क्योंकि आपने शायद एक बार देखी है हमारे जो प्रोग्राम होता है सेंटर के अंदर, होली मनाई थी सिर्फ हमने फूलों से, और क्या होली थी, मैंने पहली बार मनाई है, मैंने तो आजकल के बाद रंग ही छोड़ दी है, कभी होली में खेलने ही नहीं है ना, तो वो सारी चीजें पर चेंजेस आते हैं। आज के दिन चैटिंग मैंने किचन के अंदर हर जगह वो मशीन लगा दी, क्या कहते हैं इसको, मंत्र बॉक्स, मंत्र बॉक्स मेरे पास ही, मेरे बाकी सबके पास है, ना देने आया तो वो लगा दी है, 24/7 वो चलता है, स्टॉप नहीं होता हमारे यहाँ पे, तो मैं समझ में बड़ा अच्छा करूँगा, शुरू जो कर रहा हूँ, है ना, तो नए पेशेंट्स भी आएंगे जो जाएंगे, उनके परिवार भी आएंगे, सबको एक बार इन्वाइट भी करूँगा कि भैया थोड़ा सा एक बार आएंगे, है ना, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम करने वाले, समझ के अंदर शुरू करने वाले जुड़ने वालों को दोबारा से गोलक एक्सप्रेस का सारी चीजें मैं ही पे करूँगा सब फाउंडेशन में, है ना, तो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। आज के दिन शायद तो मंदिर में जाकर राजी नहीं होगा, पर वहाँ पे जब आदत करेंगे प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे ना, तो जल्दी शुरू हो जाती है। पहले दिन में शायद सबको बोले थे, कुछ बोले थे जो पापा बैठे हुए मेरी मम्मी है, तो मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैं किसी सत्संग में नहीं जाता था, मम्मी रोज लड्डू गोपाल सारी चीजें करती है, मैं हरिपुर में जुड़ जाता हूँ, तो मेरे को इतना मजा आता है यहाँ पे ना हरिपुर में, कुछ ना आसर नहीं किया, लेकिन मैंने कहा वहां तो जाऊंगा जाऊंगा, मैं हर बार हरिपुर में रहता हूँ, तो मजे आ रहे, आगे भी जर्नी मेरी अच्छी रहेगी, लोग जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। हमारी जॉब है फिर हम कैसे करेंगे भक्ति, अब सौरभ जी के एग्जाम्पल में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर था सीजे वाले थे, बट एक तरीका तो थी ये खुली डिप्रेशन में चले जाते हैं एक तरीका, दूसरा तरीका ये कि वो काम करते करते उसने भगवान के अध्यात्म का पार्ट को इंक्लूड कर लिया, मैंने तो क्या हो गया वो सेवा होगी वही भक्ति होगी। देखिए हर बंदा मंदिर जाके नहीं मनाता, वो देख सकते हैं आप बच्चों को कैसे ड्रग्स के नशे से भक्ति के साथ जोड़ के निकाला जा रहा है, प्रैक्टिकल मॉडल है ये, कैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जो बल्कि सेवा कर रहे हैं, और इससे आई एम श्योर इनको आनंद भी बहुत आ रहा होगा। तो हर एक ड्यूटी में करना क्या है, बस आप हाउस वाइफ हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, जस्ट इंक्लूड सेवा भाव इन दैट, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है आप। हरे हरे बोल,
मैं अपने आप को बहुत ही खुशी समझती हूँ कि गोरो एक्सप्रेस गुरुतरों ने हमें चुना है, क्योंकि छवि हमारे मन में राम लखन और सिया की बसी है। हमारे मन में जो रेस्पेक्ट है पूरे विश्व की सिर्फ शांति से निकले और सबसे मन को शांति देने के लिए हमें बदलाव करने की, तो हमें अपने किन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम इनको अपना सही रेस्पेक्ट दे सकते हैं। तो हमें अपने अभिमान और अहंकार इन चीजों को त्याग कर सतत स्मरण प्रभु में रखना है, यही मैं कहना चाहती हूँ। हरी हरी बोल। गीता की तो शरण में है पूरा करने के लिए एक युग भोज के हैं और देश विदेशों में
आपके इस गोलोक एक्सप्रेस का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं। अब आपका ये सपना एक करोड़ का है, एक करोड़ तो क्या मैं समझती हूँ लाखों करोड़ों तक ये सपना जाएगा, भगवान की तक घर घर पहुंची जाएगी। जो आपने ये छोटी सी बुक साल भगवत गीता का सबको गिफ्ट दिया है ये बहुत अमूल्य है, सब लोग इसे अपनी जरूर पढ़िए, आपके जीवन में इससे बहुत फायदा होने वाला है। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी, जैसे नीचे उतर रहे हैं, नीचे बेसमेंट में प्रसाद की व्यवस्था है, सभी प्रसाद ग्रहण कर जाए। हरी हरि ओम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम